बर्ड जो है साइक्लोन जो आया उसके बाद जो आना सागर ओवरफ्लो हुआ तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि हमारा घर सामने ही है बिल्कुल आना सागर के, और हमारे बेसमेंट में भी पानी भर गया बहुत, और ये बाहर जो नाले हैं और इनमें इतना मतलब गंदा पानी और आना सागर का पानी सारा सेम लेवल पर चल रहा था। तो दो तीन दिन तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, घर से निकलने में भी बहुत दिक्कत हुई, और नगर निगम वालों का थोड़ा मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि उन लोगों ने इतना कोई ध्यान नहीं रखा। वैसे तो मानसून और साइक्लोन के पहले ही साफ सफाई हो जानी थी, ड्रेनेज सिस्टम अपना अजमेर में सही नहीं है, तो उन लोगों को पहले नालों की सफाई करवा देनी चाहिए थी मानसून के पहले, जो उन्होंने नहीं करवाई और उसका खामियाजा सारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। सब बहुत परेशान हो रहे हैं और अभी भी इतनी बहुत ज़्यादा बदबू है, और हमें तो यहाँ रहने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि घर सामने है, कहीं जा नहीं सकते और अंदर तक बदबू आती है, खाना वगैरह बनाने में सब में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं प्रशासन से बस यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ साफ़ सफाई का ध्यान रखें और थोड़ा हमारे लिए अच्छा माहौल क्रिएट करें। मतलब भाभी आप मानसून जाने वाला है, हाँ बहुत बारिश होगी अब, हाँ तो क्या कहना है? अब बस यही कहना है कि अभी तो केवल साइक्लोन की वजह से जो हुआ वो परेशानी थी, अब मानसून तो अभी बाकी है, बारिश पूरी बाकी है अभी, अगर इसी तरह फिर आना सागर ओवरफ्लो हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। और इधर काफ़ी सारे शोरूम्स भी हैं और सभी में मोस्टली सभी में बेसमेंट बने हुए हैं और सबके मतलब सबको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो प्रशासन को बस यही ध्यान रखना है कि सफाई का पहले से ध्यान रखे, ड्रेनेज सिस्टम सही रखे और आना सागर का लेवल थोड़ा कम रखे ताकि बारिश में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये आना सागर गोरोपत है, यहाँ पे जब ये तूफान आया था उसके बाद ये जो जलकुंभी थी ये किनारे पे आ गई थी, और उसके बाद से इतनी स्मेल आ रही है कि हमारा घर K75 है वहाँ तक स्मेल आती है, इतनी ख़तरनाक स्मेल आती है, ऐसे लगता है कि आपका कोई बहुत दिनों से कोई चीज़ सड़ रही है या सड़ान हो रही है उसके अंदर। और यहाँ आना जाना जो भी राहगीर रह रहे हैं या घर जिनके भी रिहायशी इलाके में लोग रह रहे हैं उनका जीना दूभर हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से कई बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, तो मलेरिया या डेंगू होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो हम आपसे जो भी सरकार है या यहाँ जो भी पार्षद है उससे निवेदन है कि कृपया इसको जल्दी से जल्दी इसकी सफाई कराया जाए आना सागर की, ताकि ये स्वच्छ हो सके, यहाँ की आबो हवा और यहाँ जो लोग रहते हैं उनको स्वच्छ हवा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके अच्छा सा। मैम लोग घूमने भी आते हैं, क्या आना बंद हो गया? हाँ अब काफ़ी का बंद हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं भी मॉर्निंग वॉक करने जाती थी तो काफ़ी लोग घूमते थे, अब इक्के दुक्के घूमते हैं जिनकी मजबूरी हो गई है कि उनको वॉक करना ही ज़रूरी है, वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते तो वो इस एरिया के अंदर आते हैं। सर ये आना सागर झील के अंदर जो अभी के विपर जो उनका वो आया था तूफान, उसके अंदर बहुत सा पानी बाहर आ गया था रोड पर, 4 दिन रोड बंद रहा, उसके कारण मछलियाँ लोगों के घरों में आजू बाजू में, वो आना सागर झील से इतनी स्मेल आ रही है, और क्या बोले कि ये जलकुंभी इतनी लोगों के घरों तक निकल गए, अभी तक निकल नहीं पाई है, तो सर बहुत परेशानी हो रही है। कितने प्रभाव पड़ा जो लोग घूमने आते थे? जो घूमने आते थे वो करीबन नहीं के बराबर हो गए। क्या कारण है? ये आना सागर झील की क्या बोले के स्माइल और बदबू से। और धंधे पानी को भी सर, हाँ जैसे मुकेश भैया या अपने फल वाले भैया इनके भी काफ़ी फर्क पड़ा है। हाँ सर बदबू क्या नहीं आ रही? बदबू आ रही थी नहीं आ रही क्या? हाँ बदबू बदबू में इनका। हाँ सर क्या चाहते हो? थोड़ी साफ सफाई हो जाए और थोड़ा बदबू का निवारण हो जाए, यही है। गंदगी भी है? हाँ गंदगी तो हाँ करीब करीब वो भी है, अगर थोड़ा क्लीन हो जाएगा और प्रशासन की मदद से तो